अभी टाइम लगेगा प्याज काटने में उसके बाने का। मतलब क्या बनेगा, कढ़ाई पनीर हैदराबादी, कढ़ाई पनीर बनेगा, कोई भी कढ़ाई पनीर बन सकते हैं। बात बताए क्या भाई, अभी बनेगा यहाँ पे कढ़ाई पनीर, तेज पत्ता वाला कढ़ाई पनीर बनेगा मस्त करके। इसमें डाल दे तेज पत्ता और एक लाल मिर्च का टुकड़ा भी डाल दे। और क्या डालेगा इसमें भाई? लाल मिर्च भाई, यहाँ पे मिर्च थोड़ा जल गई, कोई बात नहीं, टेस्ट ज़्यादा आएगा। मिर्च को बाहर निकाले, एक करके छांट के। हाथ भी जला रहे भाई, सब साफ हाथ जला रहे हैं यहाँ पे। ये कढ़ाई ना बहुत लक्की कढ़ाई, इसमें नॉन वेज है रोज बनता। और यहाँ पे थोड़ा कढ़ाई पनीर बन रहा ना, कढ़ाई पनीर है ठीक है। अभी चौ मसाला बन रहा, प्याज काट चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे कढ़ाई पे डाल दे प्याज भाई। दिक्कत हो रही है यहाँ पे वीडियो बनाने में, थोड़ा ऐसी ठंडा निकल रहा है यहाँ पे। भाई तो यहाँ पे कढ़ाई पनीर में डबल तड़का लगेगा, ये पहला तड़का है, दूसरा तड़का तब लगेगा जब कढ़ाई का मसाला चूलन कटिंग होगी। तो बन रहा उधर, इधर काट रहे हम जूलन टमाटर और प्याज। तो इसका कढ़ाई मसाले के जो बनावट है कढ़ाई पनीर की, उसकी कटिंग कर रहे हैं। अभी तो नए हिसाब से बनाते हैं लोग। तो यहाँ पे जो कढ़ाई पनीर की कटिंग है, कमेंट जरूर बताने कटिंग से हो रही कि नहीं हो रही। नहीं हो रही। यहाँ पे हयात होटल से शेफ आ रखे, तो शेफ कटिंग कर रहे हैं। पोलियम कटिंग है, पोलियम कटिंग है। इधर मसाला बन रहा, चौप मसाला, पता नहीं कब बने। प्याज भराओ नहीं, लेकिन कल से भराओ लाल भाई। इतना खाना नहीं बना जितना किचन गंदा होगा, देख लो सारा इंडक्शन उंडक्शन सारा गैस गैस की तो ऐसी तेज हो रही है। देख लो घर में ऐसा होता, बोलता होटल में होता है ऐसा, यहाँ पे वैसे हो रहा है। यहाँ पे हाउस किसको बुलाओ, गेस्ट वाले को कहाँ से बुलाओ। अभी हरी मिर्च डालेंगे इसमें दवा के, जिसने ज़्यादा खाना होगा वो कम खाएगा। कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर बन रही स्पेशल नान के साथ, नान बनेंगे छोटे छोटे वाले कढ़ाई पे। तो शेफ साहब ने इसमें डाल दी थोड़ा हरी मिर्ची स्वाद के लिए, ताकि चटपटा हो। इसमें टमाटर प्यूरी, इसमें लाल मिर्च डाल दी कलर के लिए, मतलब कढ़ाई पनीर का जो रोगन होता कलर होता ना, उसके लिए इसमें यूज़ की जा रही लाल मिर्ची। इसके बाद डाल देंगे इसमें टमाटर, जिसकी हमने ग्रेवी बना रखी। भाई टमाटर डाल दे, टमाटर अच्छे से इसकी ग्रेवी बनेगी, मतलब पक जाएगा ये। इसमें कच्ची खुशबू ना आए, पक्की खुशबू आए। और ग्रेवी बनेगी एक नंबर की, अभी तो बना रहे। बाकी टोकरी है वेजिटेबल की, जिसमें कैप्सिकम ऑनियन और टमाटो है। कढ़ाई पनीर आज बहुत लंबा समय खेच रही हम इस रेसिपी को। ये घरेलू रेसिपी है, इसको कुछ नहीं कह सकते, घर पे कैसे भी बना सकते हैं। जरूर नहीं होटल वाला स्टाइल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इसके लिए सामान होटल से ज्यादा स्टाइल है। ये लाल मिर्च थोड़ा सा रोस्ट की, इनको अलग से निकाल कर रखा हुआ। इसके साथ साबुत धनिया डाल देंगे अभी तड़का के लिए। अब दूसरा तरीका ये है कि जो कढ़ाई की जो कटिंग है उधर मसाला बन रहा, इस पे जो ये वाली कटिंग है इसको थोड़ा टोस्ट करेंगे तड़का लगा के। और यहाँ पे बकरा की तरह हरी शिमला मिर्च कट रही बार बार। अब इसमें तड़का के लिए हमने साबुत धनिया डाल दिया थोड़ा सा, इसके साथ डालेंगे हम थोड़ा सा।
ये क्या है, गार्लिक भाई, गार्लिक डाल दें स्वाद के लिए। डालो जी डालो, भाई अब बनेगा कढ़ाई का मसाला जो स्पेशल अलग से बनेगा, उसके बाद हम इसको डाल देंगे किसमें, चौप मसाला में, फिर बनेगी कढ़ाई पनीर लपालप वाली। मतलब बहुत देर हो गई, अब एक घंटा लगे हमें इसको घुमाने फिराने में। भाई ऐसा कढ़ाई पनीर अगर बना दो और घर में कोई जिद करता तो मत बनाए करो बिल्कुल नहीं, दो घंटा लगने वाले, पूरे दो घंटा होने वाले। और साहब साहब कह रहे हैं तबीयत खराब है इसलिए टाइम लग रहा है, मैं कह रहा चूल्हा खराब है कि तबीयत खराब है, तो देख लो उधर भी देख लो भाई, दो दो कढ़ाई चढ़ा रखे यहाँ पे, टाइम लगा था बहुत ज़्यादा, ऐसे में तो पार्टी वाले भाग जाएंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा। शब साहब क्या करेंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, दो दो जगह हाथ चलाना पड़ रहा, देख लो तो भाई थोड़ा ध्यान भटक गया था, तो यहाँ मसाले डाल रहे हैं, किसमें डाल दें मसाले, ये सीक्रेट मसाले हैं, ये मसाले किसी को बता नहीं सकते हम भाई, देख लो वाह वाह क्या खुशबू आ रही है, तेरे को आ रही सोनम खुशबू आ रही ना, खाते समय मत बोलना कि ठीक नहीं लगा, ठीक है, खुशबू आ रही यार, जो भी सही है घर में जो खाना बनता है वो एक नंबर का लाजवाब बनता है यार, उसका कोई तोड़ नहीं। ये मिर्च डालेंगे हम लास्ट में, तो ये अच्छे से बन जाएगा ना, अगर स्वाद कम आएगा तो इसको डाल देंगे फिर स्वाद के लिए। यहाँ पे मैदा लगा दे, मैदा है इसमें, तो मैदे के बटर नान बनने वाले आज शाम को, बटर नान कौन खाते है बटर नान, तू कैसे सोनम का स्पेशल डिश बटर नान और कढ़ाई पनीर मसाला बने भाई, भाई अब मिला दे दोनों कढ़ाई मसाले भी चौप मसाले भी, हाँ तू नहीं मुँह फल डाल ग्रे वाइट ग्रे बनो बकड़ा पूरी भाई, मैंने खा के देखा अभी तो बहुत ही बढ़िया लग रहा, क्या बोलो मैं, कोई जवाब नहीं मेरे पास, क्योंकि जब लास्ट में बनेगा उसके बाद तो दूसरा जवाब हो जाएगा। ये है भाई चार पोर्शन, इसमें कुछ डालने वाले हैं, थोड़ा सा देसी घी डाल दिया, अमूल का बटर डाल देंगे इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डाल दिया ताकि गला खराब हो जाता सबका, नहीं भाई अब बारी है पनीर की, अब पनीर डालेंगे इसमें, ग्रेवी तो बन गई है, पनीर बिल्कुल गढ़वाल बन गया, ये गढ़वाल पनीर है स्पेशल, और हम भी गढ़वाली हैं, तो गढ़वाल पनीर लाए गढ़वाली से, तो देखते कैसे होता है होना। भाई ये पनीर है काट कर रेडी है, इधर ग्रेवी भी रेडी है, देख लो कमेंट में बताना जो ग्रेवी है ना कढ़ाई पनीर की, उसको मतलब ऐसे होती कि अपने हिसाब से बताना अगर कमेंट में कि गलत बनी है सही बनी, मेरे को तो अच्छी लग रही फिलहाल, पहले शुरू में नहीं लग रही, क्योंकि कोई भी चीज़ ना बनने के बाद ही अच्छी होती, पहले तो शुरू में ऐसे दिखता कच्चा पक्का, अभी रोगन आ रहा धीरे धीरे ऊपर, जो हमने बट्टा डाला था उसका फ्लेवर आ रहा, थोड़ा इसको डाल देते अब भाई, अब इसमें पनीर डाल देते, ठीक है
रात बहुत टाइम लगे इसको बनाने में, आज ड्राई डे है इसलिए टाइम लगा। दाल मिलेगी इसलिए भाई कढ़ाई पनीर बनकर रेडी है पूरे अच्छे ढंग से। कढ़ाई पनीर बनकर रेडी है, अब बनेगा बटर नान। तो मतलब बटर नान जो छोटे छोटे बेबी नान होते हैं ना उसी के बनाएंगे, थोड़ा त्रिकोण वाला बटर नान, फोल्डिंग वाला जिसको फोल्डिंग कहते हैं। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले ले, थोड़ा सा सूखा मैदा, बाकी ये पेड़ काट दे मैंने, बटर नान फोल्डिंग करते हैं। तो भाई मैंने पेड़ मार दे मस्त, इधर कढ़ाई पनीर को भी लगे मतलब बढ़िया बन गए। कढ़ाई पनीर रोगन छोड़ दे, मेरे को खांसी हो रही है। देख लो आज बनेगा कढ़ाई पनीर और नान। अगर वीडियो में ना 10,000 कमेंट नहीं आए और 10,000 लाइक और 1,00,000 व्यूज तो बेकार है वीडियो बनाना। और जिन गाँव को है ना भाई, यहाँ पे सारे नान थे सबके पेड़ मार दे मैंने। कुछ फोल्डिंग वाले नान है, कुछ लच्छा है, कुछ प्लेन नान। ठीक है, ये प्लेन है, ये फोल्डिंग वाले, अरे लच्छा वाले भी 2-4। तब इनको लगाने के लिए तवा चढ़ा रहे, अब मैं सोच रहा था तंदूर लाया होगा, तवा में लगा रहे हैं लोग, धोखा दे दिया। भाई ये नान है, ठीक है ये देख लो नान ऐसे होता है। अब इसको पकाएंगे ऐसे उल्टा करके, ठीक है होम स्टाइल, ये होम स्टाइल का है, ऐसे नहीं कि होटल में नान बनेगा। नान घर पे भी बन सकता अगर आपको बनाना आता है तो। ये देख लो है ना नान भाई, ये देख रहा नान बन गए भाई, घर पे भी नान बन गए भाई साहब। ये स्वागत कर, इसको नान खाने का शौक है तो घर पे भी ऐसा बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। करे सिखा देंगे भाई, ये नान है, इस पे धने लगा दे थोड़ा सा और इस पे धने लगा दे, इसके बाद इसको थोड़ा बेल आ जाएगा, बेल ना तो बेकार ही लग रहा है। भाई अगर ये वीडियो चल गया तो मैं घर ही पे किचन खोल दूंगा। बेबी नान बन रहा है आज, बेबी नान घर ही पे बनेंगे। हाँ जी जी जी, चलो जी चलो 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 जल्दी करो। ये देखो ये हमने ओमिशा नान बनाया है, अरे पक रहा है, गैस कम तो नहीं कर, गैस तेज रहा ना भाई। ये देख लो नान, नान दिखा दो एक बार भाई, घर पे भी अच्छे बन रहे हैं यार। मैंने आज पहली बार ट्राई मारा तो ये अच्छे ही बन रहा है, मुझे लगता है कुछ है मेरा हाथ में जादू है भाई। भाई नान मस्त बन रहा है यार, लग रहा है इसको खोल कर दिखाना, बीच से खुल रहा नहीं ये फोल्डिंग, पूरा खोलो इसको, खोलो खोलो। पब्लिक क्या बोलती है, ये देखो भाई, ये देख लो पूरा नान यार खुल गए पीछे, ऐसे करो इसको ऐसे डालो, देख लो पूरा नान फोल्डिंग खुल ले पूरी। भाई बच्चे लोग यहाँ पे खाने लगे, देख लो आज पार्टी मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो पार्टी थका धक धका धक चल रही पार्टी। देख लो पार्टी का मुख्य अतिथि मैं ही हूँ, मतलब मालिक साहब यहाँ पे हैं जिन्होंने पार्टी बुक करा रखी। पार्टी लगाया था फोल्डिंग वाला वो भी अच्छा था, अभी लच्छा वाला नान है तो इसको देख दे ये कैसे खुलता नहीं खुलता इसको। मैं नान लग ही रहे उठ रहे फटाफट, कौन बोलते घर में नान ही लगता। मैं किसी दिन मैं गांव में जाऊंगा ना तो गांव में होते मिट्टी की दीवार, तो मैं दीवार पे लगाऊंगा आग, ऐसी दीवार होती ना जो सामने वाली, इस पे आग जलाऊंगा ऐसी जगह पे तो गर्म करूंगा पूरी दीवार, वहां पे चिपकाऊंगा नान। ठीक है, वहां पे एक बार ट्राई मारूंगा मैं उत्तराखंड में जाकर। ये भाई साहब मैं नान लग रहे एक नंबर, चलो सही 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 चलते रहो चलते रहो। बाकी तो अभी तो भाई फैला रहा की दुकानदार है मैंने पूरे।
अब पार्टी यार लेट होने वाले खत्म, 10:30 हो गए। अबे खाना रेडी है, कढ़ाई पनीर और नान, तो खाना खाते हैं।